बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का जादू भले ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रहा हो, लेकिन उनके दीवाने फैंस आज भी है। लेकिन अक्षय ने हार नहीं मानी, वो एक से बढ़कर एक फिल्मों के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। अक्षय कुमार हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर लाइमलाइट में छाए रहते हैं। वेल, एक्टर की अपकमिंग फिल्म खेल खेल में, जो कि इन दिनों काफी चर्चे में है, ये फिल्म इसी महीने 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने से पहले अक्षय ने किया नेक काम जिसने सभी का दिल जीत लिया। अक्षय कुमार मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह पहुंचे, अक्की ने दरगाह में चादर चढ़ाई और अपनी फिल्म की सक्सेस के लिए दुआ भी मांगी। इसके अलावा अक्षय कुमार के नेक काम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने आज सुबह नवीकरण खर्च के एक हिस्से की जिम्मेदारी ली। दरगाह को बनवाने के लिए एक्टर ने 1,21,00,000 रुपए दान भी किए। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट और माहिम दरगाह ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी सोहेल खंडवानी ने अपनी टीम के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक्टर के इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है। वहीं बीते दिनों अक्षय कुमार ने जरूरतमंदों को खाना भी खिलाया था। अक्षय कुमार ने अपने घर पर गुरुजी का पाठ रखा था। सोशल मीडिया पर एक्टर का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें अक्षय कुमार अपनी बहन के साथ अपने घर के बाहर खाना बांटते हुए नजर आए थे। हालांकि अक्षय ने इस दौरान अपने चेहरे को छिपाने की खूब कोशिश की थी। उन्होंने टोपी के साथ मास्क भी पहना था, लेकिन इसके बाद भी अक्षय कुमार का ये वीडियो वायरल हुआ। वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार फिल्म खेल खेल में के अलावा सिंघम अगेन, हेरा फेरी 3 और वेलकम टू दी जंगल जैसी कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज, मुंबई।